राजधानी लखनऊ के विकासखंड बख्शी का तालाब ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के प्रधान बाबा प्रदीप यादव भारी मतों से विजयी हुए। तो वहीं बाबा प्रदीप यादव ने बताया कि ग्रामवासियों ने हमें प्रधान बनाया है, मैं हमेशा ग्राम पंचायत में विकास का कार्य करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। मैं इसमें राजधानी लखनऊ के ब्लॉक बीकेटी के अंदर दुर्जनपुर ग्राम पंचायत मौजूद हूँ। प्रधान प्रत्याशी के पास ये प्रदीप यादव, बाबा प्रदीप यादव के पास आज खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है? बाबा प्रदीप कुमार यादव। कहाँ कराने वाले हैं? ग्राम दुर्जनपुर। अच्छा, इस बार प्रधान पत्नी आप हुए हैं यहाँ के। हाँ। किस प्रकार के लोगों की सेवा देंगे? सेवा मैं तो निष्पक्ष भाव से करूँगा। इससे पहले मैं सेवा शुरू करता हूँ। 30-40 साल हो गए माननीय राजनाथ सिंह जो हैं, उनसे बहुत प्रभावित होकर काफ़ी काम किए हमने क्षेत्र के अंदर। यही नहीं, पूरे क्षेत्र के अंदर हेड पैप पेंशन लाइसेंस उनकी वजह से भी हम उनका श्रेय भी हमारे ऊपर है। मतलब फेमस जो हम हुए। प्रधान ना होने के पहले भी आप लोगों की सेवा करते रहे हैं हमेशा। मतलब जो बड़ी बड़ी सेवाएं हम लाए हैं जो असंभव हो सकती हैं, जैसे इस गांव में टंकी बन रही है, 2 करोड़ रुपया आया है, शमशान घाट बन गया है ना, स्कूल अस्पताल बनना है और बनना है, बारात घर बनना है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। मतलब जो है जो ये प्रधान कोटे में नहीं आएंगे। अच्छा, ये आप हमें अपने तरफ से सहयोग करते रहते हैं हमेशा गांव के लिए? बिल्कुल, कोई गांव आप कहीं पे बिना भेदभाव से। अच्छा, ये बीकेटी अंतर्गत आता है? हाँ, बीकेटी ब्लॉक है। चलिए ठीक। बाबा जी, राजनीति में कैसे आप आए यहाँ पर? प्रधानी का चुनाव आपके मन में कब आया विचार? विचार तो अब की बार मेरा नहीं था जी। लोगों ने कहा हम नहीं, जिस दिन जाना था नामांकन के लिए जी, मेरे भाई कहीं जल्दी ना, हमने कहा यार नहा के वहाँ कोई संतलत बट रही है, आप परेशान नहीं हो, फिर फूल रहे। हमने दो हमने कहा राजपुर एक ही गाँव है, देख लीजिए। गाँव का नाम 1915 में हमने बड़ी मेहनत करके अलग करवाने 4 किलोमीटर यहाँ पोलिंग थी जी। 94 में हमने यहाँ पोलिंग करवा ली विधानसभा लोकसभा वाली, बगैर सरकारी भवन के, और रोड पे एक मकान था उसमें पोलिंग लगती थी। 445 वोट थे, 300 मेरे गांव के, 145 राजपुर के जी। धन्यवाद। समझे उस समय ये चुनाव आयोग वाला कह रहा था। लखनऊ से परमानंद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।